साडी जिहड़ी संविधान की भावना है या कानून की भावना वह कहिंदे कि किसी भी बंदे नूं दो सजावां जिहड़ियां ने नहीं दित्तियां जा सकदियां। एक उहनां नूं तुसीं जिहड़ी सज़ा दित्ती है वह भुगत ली है तो दूजी नहीं दित्ती भी जी है। एक भी घटना एवं दी नहीं जिथे उन्होंने बंदी सिंघां दे बारे कोई सिरदाता नाल विचार दिता होवे जां कदी उहदे कोई जिहड़ी मंग उठाई होवे। जिहड़ा असीं कल परसों धरने होए उहदे विच श्रोमणी कमेटी दे मुलाजम जां श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े वर्कर ने उह शामिल होए आ। जदों तक कोई संघर्ष दे विच आम लोक जनता शामिल नहीं हुंदी कोई संघर्ष कामयाब नहीं हुंदा क्योंकि वर्कर है जिहड़ा उह तां पार्टी दे हुक्म अनुसार बाहर जा ही नहीं सकदा क्योंकि उह तां तुहाडे नाल जुड़िया होया तुहाडे पंजाब उत्ते नहीं हार गया सी। जदों पंजाब ये कह रहा है कि सानू खर्चा देवे जिस जिस दिन बंदी सिंह ने जिहड़े जोधपुर के बंदी सिंह ने उन्होंने दो दो लख जां लख लख रुपया गौरमेंट तो स्वीकार कर लिया सी उस दिन ही असी जंग अखलाकी तौर पर हारे। खेतरी पार्टी जवाब दे विच है नहीं हुण आपां जेकर अकाली दल पिछे चला गया पंजाब दे सियासत दे हालात हो रहे ने खेतरी पार्टी आपां किस तों आस रख सकदे आ वी किवें संभव होवे जिवें धड़े बंडे गए ने इक थां ते हो के कोई पार्टी 37% है जिहड़े दलित लोक है उहनां दी नुमाइंदगी किहड़ी पार्टी कर रही है पंजाब च तां कोई पार्टी नहीं है। बंदी सिंघां नूं लै के समें समें गल उठदी है कई तरह सरहद ने उन्होंने छुड़ाने के लिए कितना कितने सियासत होंगी भी सानू नज़र आती है तो इस मुद्दे को लैके गलबात करांगे केंद्रीय सिंह सभा चंडीगढ़ के जनरल सैकटरी उगे सिख विद्वान सरदार खुशहाल सिंह जी नाल। खुशहाल सिंह जी तुहाडा स्वागत है जी सब तो पहला जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेकर बंदी सिंह की गल करिए कि अन्याय हो रहा है बड़े लंबे समय तो जेलों के बंद ने लम्मिया सजावं भी भुगत चुके ने ते एडा गुनाह भी कोई नहीं ते अज फिर भी मुड़ के छड्या नहीं जा रहा। दूजे पासे गल करिए कई धिर जो लड़ रही ने उन्होंने छुड़ाने के लिए पर कई अजिहियां पार्टियां ने कई अपने जो सत्ता में आउंदियां ने तो भुल जांदियां ने ते मुड़ हुण मुद्दा उन्होंने वालों फिर सरगर्म किया गया इसनूं किवें देखदे हो तुसीं? देखो जी भाई साहब एक तो जिहड़ा मुद्दा हैगा आ बंदी सिंघां दी रिहाई का ये दुनिया भर च रहिंदे जिहड़े इंसाफ संद लोक ने किते भी कोई बैठा आ कोई बंदा भी ये नालों वक्री राय नहीं रख सकता सारे यही कह के उन्होंने जे सज़ा पूरी कर चुके तो उन्होंने जोड़ा रिहा करना चाहिए उन्होंने हक बनता है क्योंकि साड़ी जी संविधान की भावना है या कानून की भावना वो कहें कि किसी भी बंदे दो सजावं जड़िया ने नहीं दिखाई जा सकदियां। एक उन्होंने जी सज़ा दी है वह भुगत ली है तो दूजी नहीं दी जा सकती। सो ये तक का मसला यह है जितों तक मनुखी अधिकारा का मसला आ जां असी कहीए वह सारा कुछ ठीक हैगा उहदे सिर दा हरेक व्यक्ति नूं जिहड़ा इंसाफ संद व्यक्ति है उहनूं बंदी सिंघां दे रिहाई वास्ते यतनशील होना चाहिए। इह तां मन्नांगे कि मनुखी अधिकारां दी जो लंघना हो चुकी है बिल्कुल वह तो देखो दुनिया के दे सामने है। एक पासे जिहड़ा आ दिल्ली कतलेआम दे विच 5000 उत्ते जिहड़ियां मौतां हुंदियां ने कतल हुंदे ने एक स्टेट स्पोंसर भी है सारा कुछ है उहदा हाले तक इंसाफ नहीं मिलता। दूसरे पासे जिहड़े खाड़कू सरगर्मियां दे विच बंदे इनवॉल्व सी कईयां नूं फांसी दे दित्ती गई है ते बहुते जिहड़े आ उह सज़ा पूरी कर चुके है वह सारा साडे सामने आ सिनेरियो जिहड़ा हैगा। गल इह हुंदी आ कि जिहड़ियां इह जिहड़े बंदी सिंघ बंदी बणे इह कोई कि निजी कारणां करके बणे जां इहनां दी कोई पोलीटिकल मंग सी पोलीटिकल धिर सी विचारधारा सी जिहदे दिन इह गल लंबे समय तों उठ रही है कि बंदी सिंघां नाल अन्याय होया पर दूजे पासे जो हुण छडाउण नूं लैके धरने बजारे हो रहे ने कुछ धिरां तां शुरू तों ही कानूनी तौर ते केस लड़ रही ने हुण ते अकाली दल की गल करिए ते बड़ा मुद्दा उभारिया जा रहा है ते इहनूं किवें देखदे हो तुसीं? किते ना किते उहनां दे अंदर दर्द है जां कुछ होर है? नहीं गल ते हुण सिद्धी आउंदी है कि जदों भी उह उहनां कोल सत्ता रही 15 साल सत्ता रही है जिहदे विच 10 साल सत्ता उहदे कोल लगातार रही है ते 15 सालों के किते भी वो जिहड़ी है एक भी घटना एवें दी नहीं जिथे उन्होंने बंदी सिंघां दे बारे कोई सिरदाता नाल विचार दिता होवे जां कदी उहदे कोई जिहड़ी मंग उठाई होवे जां किते विधानसभा च कोई मता पास कीता है अजिही भी होनी है ना कोई गल सामने भी बहुत सारे उन्हां दे विचों इन्हां ने अपने सरकारां समें ही रैस्ट कीते होण बिल्कुल ही 15 सालों के जिहड़े 15 जून के महीने जे असीं करदे बाकी तां सारे समें हुंदा रिहा आ हर साल जिहड़ा जून के महीने जदों जून 84 की याद मनाई जाती है तो उन्होंने लैके पंजाब गिरफ्तारियां होंदिया रही अज भी होंदिया पहला भी होंदिया रही
तो उन्होंने मतलब जे तुम 100 केस रजिस्टर्ड किया आ तो जोड़े सज़ा तक तो कोई कद्दा केस जाता आ बाकी आ जोड़े वो ट्रायल घट्टो घट 3 साल नहीं 7 साल 10 साल जोड़े नौजवानों के केस होंगे उस जी अपनी एक बनती सज़ा भुगत लेंगे क्योंकि एक बार रैसट करने तो बाद जिंदगी तबाह हो जाती है। जिंदगी का जरा बहुत कीमती टमा होंगे जो उन्होंने कुछ बनना होंगे वो जेलों के जा कोर्ट के चले जो असं गल करना चाहते हैं कि उन्होंने छुड़ाने लिए पैरवी किस तरह हो कि जो हूँ धरने मुजहरे किए जा रहे हैं श्रोमणी कमेटी वालों एक उन्हों तुम किमें देखते हो कि यह हूँ रास्ता जो अपनाया जा सकता है ज सिर्फ धरने कोई हल नहीं है उन्होंने कोई ना कोई कौमांतरी पद्धर से आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कानूनी राह अख्तियार करना चाहिए। वेखो जी वजीतपुर जी मैं थोड़ा एक होर ध्यान वाल देना जदों की श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी वह एक इतिहास रहा है उन्होंने कभी भी अपने सिख भरावान के खिलाफ कभी FIR दर्ज नहीं कराई। ये जिहड़ा सेहरा आ ये अकाली दल बादल नूं जांदा है कि जदों श्रोमणी कमेटी तों कब्जा होया ते ये अपने भरावां दे खिलाफ जिहड़े उत्थे जिन्हां ते दोष लाउंदे इक खालिस्तान दे नारे लाए खालिस्तान दे नारे नाल FIR श्रोमणी कमेटी इक धिर बन के रजिस्टर्ड कराउंदी आ इतिहास अकाल तख्त साहिब ते हुंदा हाँ दे विच हाँ बिल्कुल ये हुंदा आ इस तों पहला पुराने अकालियां दा इतिहास है। मास्टर जिहड़े महात्मा गांधी उह कहिंदे कि आपां नाल राजनीतिक अपनी गल बन सकदी आ तुसीं बब्बर अकाली लहर के खिलाफ जिहड़ा तुसीं कह दो कि साडा उहदे नाल कोई संबंध नहीं हैगा जां ते जिहड़े उस समय दी अकाली लीडरशिप है कहिंदी उन्हां दा रस्ता अलग है साडा अलग है साडे च उह रस्ते जाण दी समर्था नहीं हैगी असीं अपनी उह कमजोरी समझदे आ इस साडी कमजोरी करके असीं उन्हां नूं गलत नहीं कह सकते उन्हां दा इक पैंतड़ा आ उन्हां दा अपना लंग जिहड़ा संघर्ष लड़न दा तरीका आ सो जे वो उस तरह के लै सकते। श्रोमणी कमेटी एक जी धिर बन के FIR दर्ज कराउंदी शिकायत पुलिस को दर्ज कराउंदी पहली गल तो ये अपने आप से माड़ी गल है। दूजी गल है कि जिस तरह तुसीं कहा कि अज लोगों ने अपने बंदी जिहड़े आ राजनीतिक बंदी लोग छड़ाए आ साडे सामने आ साउथ दे विच तमिलनाडु ने छड़ाए आ उस तों वड्डा संगीन की जुल्म हो सकदा प्रधानमंत्री जिहड़ा मौके दा मारिया उहदे विच जिहड़ा व्यक्ति आ उह छड़ाया सारे सामने उन्होंने कितें जाके धरने नहीं लाए उन्होंने एक पोलीटिकल प्रैशर बनाउणा हुंदा पोलीटिकल पार्टियां ने जिहदे जिहड़ियां पार्टियां पार्लीमेंट नुमाइंदगी करदियां ने विधानसभा च नुमाइंदगी करदियां ने उत्थे रोल अदा करना हुंदा सड़कां ते पॉलिटिक्स लोकां ने करनी हुंदी है जां वह पार्टियां जिहड़ी सत्ता तों बाहर हुंदियां उहनां करनी हुंदी है। इस वक्त जो श्रोमणी कमेटी दे सहयोग नाल अकाली दल कर रहा है इह उस वक्त कर रहा है जदों उहदी जमीन खत्म हो चुकी है उहदी जदों देखिया पिछले संगरूर कमेटी जो अकाली दल दे लई कर रही है ना कि बंदी सिंघां लई बिल्कुल उहदी सर्वाइवल वास्ते उहदी जिहड़ी राजनीतिक भूमि जिहड़ी खुस गई उहदे पैरां थल्ले उहदी मुड़ बहाली लई यतन कर रही हैगी। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जेकर शहीद हुंदी बंदी सिंघां बारे तां उह अपना पिछला रिकॉर्ड दसे कि किन्ने बंदी सिंघां दे उन्होंने केस लड़े आ। बिल्कुल जी साडा यही है कि श्रोमणी कमेटी जेकर इस मुद्दे नूं लैके आई है उन्होंने टिक्का टिप्पणी करना साडा मकसद नहीं मकसद यह है कि उन्होंने छडाया जाए रस्ता किहड़ा अख्तियार होवे जेकर असीं समय ही खराब कर दिता हुण जिवें काले चोले पै के आए हैं जिहड़ा घर तों काला चोला नहीं लैके आया सवाया कि वह भी श्रोमणी कमेटी ते पा दिता गया तो दर्द तो कित्थे होवेगा। गल यह है कि बैठ के असीं सड़कां ते धरने तो दे रहे उन्होंने छुड़ाउण दे लई कानूनी मारां दी राय होनी चाहिए है पैनल बनना चाहिए उन्होंने बाहर लियाउण लई सिरद होना चाहिए। बिल्कुल जी जिहड़ा असीं कल परसों धरने होए उहदे विच श्रोमणी कमेटी के मुलाजम जां श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े वर्कर ने उह शामिल होए आ। जदों तक कोई संघर्ष दे विच आम लोग जनता शामिल नहीं हुंदी कोई संघर्ष कामयाब नहीं हुंदा क्योंकि वर्कर है जिहड़ा उह तो पार्टी के हुक्म अनुसार बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि वह तो तुहाडे नाल जुड़िया होया तुहाडे हुक्म दे अधीन है। इस तरह तुसीं अपने मुलाजम है उन्होंने नौकरी लैनी है श्रोमणी कमेटी तो उन्होंने कालजां तो उन्होंने स्कूलों तो आ जाएंगे लेकिन आम बंदा है जिदा यह संघर्ष आम लोगों का है तो संघर्ष के भी हूँ जोड़ा है व्डा जो इतिहास के नाल मेल नहीं खाता 18वीं सदी का जे जो सा असी जिन्हों अपना ग्लोरियस पीरियड मानते हैं उस पीरियड में सिखा ने कभी भी जोड़ा जुल्म करने वाला बंदा आ उहदे कोलों जाके मुआवजा नहीं मंगिया वो तो रैत नहीं मंगे कभी सिखा ने मियाँ मीर को अब्दाली को जाके क्या होवे भी साडे इन्ना नुकसान इन्ने बंदे मर गए तुसीं सानू उहदी भरपाई करो। हुण जिहड़ा इतिहास दा पैंतड़ा आ असीं एक संघर्ष जिहदी तुलना असीं 18वीं सदी नाल कर रहे हां दूजे पासे स्टेट दे अगों जिन्हां ने साडे ते जुल्म कीता आ उहनां तों ही इंसाफ मंग रहे हां पहली गल तो ये जी दूरी स्थिति है इस तू सू स्पष्ट होना पेगा क्योंकि दो धिर लड़ रही जंग के मैदान जंग का स्वरूप वखरा आ अज उस तरह तलवारा तो उस तरह की लड़ाई घोड़िया नहीं हो रही पर
डिप्लोमेसी दे विच उस तरह लड़ाई चल रही है, दोनों धिरां ने एक दूजे नूं ठिब्बी लाणी हुंदी है। उस धिर दे कोल असीं इंसाफ मंग रहे हैं। असीं तां पंजाब उद्ध नहीं हार गया सी जदों पंजाब ये कह रहा सी कि सानूं खर्चा देवे। जिस दिन बंदी सिंघां ने जिहड़े जोधपुर दे बंदी सिंघां ने उन्होंने 2-2 लाख जां लख लख रुपया गौरमेंट तो स्वीकार कर लिया सी, उस दिन ही असीं जंग अखलाकी तौर पर हार गए सीगे। इहदा मतलब है जे पहले जिहड़े साडे लड़ाइयां लड़दी है जे वह जिहड़ा वह अपनी गलती का अहसास करे ना, मुआवजा कदा मंगया जांदा है। असीं जिहड़ा 84 च जंग लड़ी सीगी, धर्मयुद्ध लड़िया सी, असीं गलत सी, इहदा मतलब यह है जे असीं मुआवजा लिया है गौरमेंट तो। ते ये जिहड़े लैण वाले अज्ज साडे लीडर है, बिल्कुल जो तुम वक् एक अपने होने की लड़ाई लड़ रहे हो उहदे विच तुहाडे सामने होर मिनोरिटियां ने, तुसी एक स्टेट का एक जिहड़ा क्रूर रूप है वह नंगा करना हुंदा है। तुसी तुहाडी जित हुंदी है कि संसार सामने जाए कि इन्हां दी अदालतां ये सानू दूजे नंबर का शहरी समझदियां, जिहड़ा कि समझ रही उहनू तुसी लोकां दे सामने लैके जाना। पंजाब नाल दगा किधर किधर कमाया जा रहा है, भावें पानिया का मसला आ, साढ़े दोस्त जोड़े गुआढ़ी देशों के व्यापार का संबंध है, हूँ पाकिस्तान एक दुश्मन आर्टिफिल दुश्मन ही सिरज के वेद सारे हवा बना के सारे देश वोटा लेनिया ने, उन्होंने जरूरत हो सकती है, पर सा जरूरत साढ़े पंजाब के किसान की पंजाब के व्यापारी की जरूरत है कि व्यापार खुले उन्होंने, जो उन्होंने व्यापार खुलेगा साडा रुजगार जाएगा। व्यापार इन्होंने एक दिन बंद नहीं किया पाकिस्तान, पर वो व्यापार गुजरात राही हों, गुजरात राही भी इन्नी ज़्यादा समगलिंग हो रही है, इन्नी फड़ी गई है उत्थे तो इन्होंने बॉडर नहीं बंद किए। पंजाब दे विच कोई जे कोई घटना होंदी है तो सब तो पहला पंजाब दे जिहड़े बॉडर ने सील कर दिते जांदे ने। इह साडे नाल साडे लोकां नाल तक्का आ, इत्थों दे हिंदुआं नाल तक्का, व्यापारियों नाल तक्का। मैं कहना पंजाब दे विच व्यापारी कौन करदा, ना मुसलमान करदे ना सिख करदे, हिंदू भाईचारा करदा है, तो उन्होंने भी पंजाब दे नाल जिहड़ा सिर दो के पंजाबियों का साथ देना चाहिए, और उन्हों का खुशहाल जीवन गुजरात की खुशहाली नाल नहीं जुड़िया होया, तो ना ही किसी होर स्टेट की खुशहाली ना, वो पंजाब के इस खिते जुड़िया होया। ये दिल्ली तक के वसदे लोगों का विकास तो होएगा, सोचनिया पैनगियां कि ये जिहड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिहड़ी लड़ाई दुनिया के महान देश लड़न के समर्थ नहीं, किन्ना चिर हो गया यूक्रेन के चल रहे, सारा यूरोप यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे रशिया के खिलाफ, तो उत्थे की होया, लड़ाई लमकाई जा रही है, लड़ाई बढ़ गई है। अज के दौर लड़ाई अफोर्ड करना साढ़े वर्गे देश में जिते 33% लोग भुखे सौंदे है, जिन्हों दी हाले बुनियादी जरूरत जिहड़ियां नहीं पूरियां होईयां, वो किसी भी दौर दे विच जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। सानू शांति ते भाईचारे वाले पासे आउणा पएगा। जिहड़े देश सानू लड़न वास्ते हथियार दे रहे ने, सानू उत्साहित कर रहे ने, उन्होंने अपने देश कदी लड़ाई लड़ी नहीं पिछले 50-60 सालों च, वो दूजे देशों के लड़ाई लड़ा के अपना समान वेचते हैं, तो सानू साडे तो जिहड़ा साडा व्यापार करके पैसे कमाउंदे आ, सानू समझना पएगा। इत्थे सानू जिहड़ा आ पंजाब दे विच अपना भाईचारा मजबूत करना चाहिए, सारे भाईचारे नूं नाल लैके पंजाब दे वड्डे सिनेरियो दे विच जंग लड़नी चाहिए आ। साडे कोल एक्सपीरियंस किसान संघर्ष दा हैगा आ, जदों तुसीं इकट्ठे होकर जंग लड़ते हो तो वड्डे तो वड्डा हंकारी राज है जिहड़ा उहनूं झुकना पैंदा आ। इह साडे सामने इक सक्सैस जिहड़ी सफल स्टोरी। खुशहाल सिंह जी, तुसीं किसानी संघर्ष की गल की है, किमें इतिहास के जिमें कहा कि जदों तक अमाव इकट्ठा नहीं हुंदा आपां मंग नहीं मनवा सकते। किसानी संघर्ष में बहुत बड़े पद्धर से दूजे सूबे ने लेके पंजाब ने अगवाई की, इकट्ठे होए तो जित प्राप्त की, क्यों नहीं फिर जेकर साढ़े दिलों अंतर हैगा, जेकर जिमें असी यह लड़ाई लड़ी सी बंदी सिंघां दे लई भी इस तरह का एक संघर्ष बड़ा हो जाए शांतमई तौर पर, जिमें तुसीं कहा कि दिल्ली दियां जाके बरूहां नूं डक दिता जाए तो सरकार मजबूर हो जाए कानून सोचण लई खड़ जाए कि इन्हां दी कोई जरूरी मंग हैगी, घट गिणतियां दी सुनवाई तां कितें संभव होवेगी, जिमें किसानी संघर्ष दे मंगां मनवाईआं ने, तो इस तरह का संघर्ष की कोई लोड़ नहीं, कोई इस तरह का जो छोटे छोटे धरनों नालों जेकर कानूनी तौर पर सुनवाई नहीं होंगी तो बड़ा संघर्ष रंभण की लोड़ है, ये अगवाई किवें संभव हो सकती है? वेखो जी, एक तो पहला जिहड़ा हैगा कि सब तो पहली लोड़ है ये कि पंजाब नूं एक सुहिरद खेतरी पार्टी की लोड़ है, जिहड़ा अकाली दल किसी टाइम सीगा, हुण श्रोमणी अकाली दल ने अपना मोगा कॉन्फ्रेंस करके ये नालों नाता तोड़ लिया सी पंजाब नालों, तो उन्हें फैसला कर लिया सी कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का विंग बन के चलना आ। अच्छा। जिस दिन भाजपा नाल उन्होंने जोड़ लिया सीगा, क्योंकि पंजाब का इंट्रस्ट है जिहड़ा वो खेतरी पार्टियां दे इंट्रस्ट है, असी खेतरी एक छोटा जिहा खेतर है, असी जिथे 13 विधानसभा सीटां चों बंदे चुने जांदे आ, असी कदी भी 540 दे विच इक बहुत वड्डी ताकत लैके नहीं आ सकते। सो सानू उस
पैंतड़े तो ध्यान रखना चाहिए साढ़े वाली स्टेटा का। जिस दिन अकाली दल ने 370 दे मते दे उत्ते मोहर ला दिते सी उहदे हमायत कर दिते सी अकाली दल ने अपनी कबर है जिहड़ी उह पट ली सीगी भाव कि पंजाब दे विचों अपना उहदा खात्मा तय सीगा इह चलिया नहीं जा सकदा। तुसीं अकाली दल चलदा वी तां ही सी ना खेतरी पार्टी उहदे जवाब दे विच है नहीं। हुण आपां कि जेकर अकाली दल पिछे चला गया पंजाब दे सियासत दे हालात इह हो रहे ने खेतरी पार्टी आपां किस तों आस रख सकदे आ वी किवें संभव होवे जिवें धड़े बंडे गए ने उह इक थां ते हो के कोई पार्टी उभर सके। नहीं उह जिहड़े धड़े ने इहनां तों राज नीतिक धड़े आ जिहड़े इन्हों तो उम्मीद हुण कीती नहीं जा सकती क्योंकि ये इन्हां दी जिहड़ी पिछली सारी स्टोरी है फेल स्टोरी है। हुण तुहानूं जिहड़ा आ कोई वह पार्टी पंजाब दे विच जित्तेगी जिहड़े पंजाब दे लोकां दी नुमाइंदगी करदी होएगी। अज दे दिन दे विच पंजाब दे विच मैं 37% जिहड़े आ दलित लोक आ उहनां दी नुमाइंदगी किहड़ी पार्टी कर रही है। पंजाब च तो कोई पार्टी नहीं हैगी जिन्ना चिर तुसीं अपने बणदे जिहड़ा इक तुहाडा भाईचारा इक हाशिए ते पहुँच गया आ जिहदे वास्ते रोजी रोटी दी समस्या हैगी आ उहनां दीआं जिहड़ियां बुनियादी लोड़ां ने उहनां दे अज कल जिहड़ा साडा पोजीशन हैगी आ मनरेगा दे विच देखो किन्ने लोक कम कर रहे ने लोक अपनी रोजी रोटी दी लड़ाई लड़ रहे आ उहदे जिहड़ियां बुनियादी इशू ने उन्हां ते फैसला नहीं करदी कोई भी पंजाब दी पार्टी जिहड़ी है सिरद नहीं हैगी। देखो किन्ने किसान जिहड़े आ ते मजदूर किसान जिहड़े आत्महत्या तैयार कर रहे किड्डा वड्डा अंकड़ा है किन्ने सियासी पार्टियां दे लीडर आ जिन्हां नूं तुसीं जाणदे हो जिहड़े उन्हां दे घरे जांदे आ उन्हां दे दुख दर्द वंडाउंदे आ कोई नहीं अज्ज दी पंजाब दी कोई पार्टी अज्ज दे जिहड़े उन्हां लोकां दे घरे जांदे मजदूरां दे घरे जांदी होए किसानां दे घरे जांदी होए जां कोई उन्हां दे लोकां वास्ते श्रोमणी कमेटी बंदी सिंघां दी गल कर रही है क्योंकि अज्ज उहनूं लगदा कि फायदा हो सकदा सिक्खां दे विच मैं बहाल करनी आ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਗਰੰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ ਨਾ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ SDO ਨਾਲ DC ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਭੋਜਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਛੁੱਪ ਬੈਠਣ
ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਲਖਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਏਜੰਡਾ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 47 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਈਏ ਬਾਜਰੀ ਉਹਦੀ ਭਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਦੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰ ਧੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੰਝੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜੀਦਵਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਸਾਲਪੁਰ, ਖਾਲਸਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।